नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता कैथल ब्रेकिंग टीवी से। सोशल मीडिया पर आपके एक लाइक और शेयर से कैसे धरातल पर तस्वीर बदलती है, आज हम आपको दिखाएंगे मार्केट कमेटी कैथल के परिसर में बनी अटल किसान मजदूर कैंटीन के उद्घाटन से, जहां हमने 2 अक्टूबर को ये रिपोर्ट दिखाई थी आप सभी लोगों को कैथल ब्रेकिंग टीवी चैनल के माध्यम से कि कैसे लाखों रुपये का खर्चा होने के बावजूद भी इस कैंटीन को उद्घाटन का इंतज़ार था और जो दावा 10 रुपये में थाली मिलने का दावा किया जा रहा था सरकार की ओर से किसानों और गरीब मजदूरों के लिए, वो आज शुरू होने जा रही है। तो कैथल ब्रेकिंग टीवी की टीम इस समय मौजूद है मार्केट कमेटी कैथल अनाज मंडी के परिसर में, जहां पर ये अटल किसान मजदूर नवनिर्मित कैंटीन का उद्घाटन आज होने जा रहा है। यहां हम धरातल पर चेक करेंगे कि किस प्रकार का खाना, किस प्रकार की सुविधाएँ, किन लोगों के लिए सुविधाएँ हैं और वो सुविधाएँ किस प्रकार से मिल रही हैं, उस चीज़ का हम आज निरीक्षण करेंगे। आइए देखते हैं। जैसा कि हमने उस दिन आपको दिखाया था कि यहाँ कैथल की अनाज मंडी में मार्केट कमेटी के परिसर में बनी अटल किसान मजदूर कैंटीन में उस समय साफ़ सफाई भी नहीं थी और केवल स्वीपर ही पोस्ट ही भरी हुई थी और वहाँ अधिकारियों ने दावा किया था कि मार्केट कमेटी कैथल के अधिकारियों ने दावा किया था कि अभी इस कैंटीन को शुरू होने में 1.5 से 2 महीने और लग सकते हैं, जबकि अभी फसल का सीज़न भी चल रहा था और भारी संख्या में किसान अपनी फसल को बेचने के लिए कैथल की अनाज मंडी में आए हुए थे। लेकिन कैथल ब्रेकिंग टीवी की खबर के बाद अब ये कैंटीन जो है अटल किसान मजदूर कैंटीन कमेटी कैथल में, मार्केट कमेटी कैथल के अनाज मंडी के परिसर में, वो अब शुरू होने जा रही है। और आइए देखते हैं कि यहाँ साफ़ सफाई कैसी है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि बेंच और मेज़ जो हैं वो ठीक तरीके से लगे हुए हैं। आज यहाँ पर सफाई की भी पूर्णतः व्यवस्था है, सभी जो परिसर है वो पूरी तरह से साफ नज़र आ रहा है। आइए निरीक्षण करते हैं। यहाँ पर लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं, शायद वो मार्केट कमेटी कैथल के कर्मचारी ही हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस प्रकार का अनुभव उनको इस समय हो रहा है। साथ कुछ एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं, वो बताएंगे किस तरह का अनुभव उनका इस समय हो रहा है। जी मैम, आपका नाम? मेरे नाम है चुमकी दास और मैं NRLM का स्टाफ हूँ। तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनका हाथ का बना हुआ खाना खाने के लिए, तो मैं आज इधर इसलिए आई हूँ ओपनिंग सेरेमनी के लिए। मैम आपका नाम? मेरा नाम पूर्विता है और मैं भी स्टाफ हूँ यहाँ के महिलाओं को देखने आई हूँ कि कैसे वो लोग अपने गाँव से निकल के यहाँ पर सब कुछ ओवरकम करके यहाँ पे कैंटीन का शुरुआत कर रहे हैं और अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा, सभी को मिलेगा। और मतलब ये विश करती हूँ कि आसपास के सभी लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए आए, स्टाफ भी आए और मजदूर भी सभी के लिए। तो जैसा कि आपने देखा कि उस दिन जब हमने आपको 2 अक्टूबर को रिपोर्ट दिखाई थी कि कैंटीन में ठीक तरह से व्यवस्था नहीं थी, साफ़ सफाई भी नहीं थी और स्टाफ की भी बेहद भारी कमी थी, लेकिन अब आइए निरीक्षण करते हैं यहाँ की कैंटीन की रसोई का कि कैसा वहाँ यहाँ का हाल है और किस तरह से खाना जो है वो बन रहा है। आप देख पा रहे हैं कि ये काउंटर आज पूरी तरह से साफ़ है, यहाँ अंदर स्टाफ की चहल पहल है। जहाँ पहले रसोई घर को ताला लगा हुआ था, वहाँ काफ़ी स्टाफ जो है अंदर खाना बनाने की प्रक्रिया में जुटा हुआ है। आइए देखते हैं और पूछते हैं उनसे कि क्या वो बना रहे हैं और किस तरह की क्वालिटी का खाना, हाइजीन क्या फॉलो हो रहा है खाना बनाने में, आइए देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से हाइजीन, साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया है, परिसर पूरी तरह से साफ़ है और ये यहाँ पर रोटी बनाने का कार्य भी हो रहा है। तो आइए इनसे पूछते हैं कि ये कितने बजे यहाँ पर खाना शुरू होगा और आज खाने में क्या बना है। जी आपका नाम? हेलो, मेरा नाम मधु है। अच्छा, कब से आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं और क्या आज प्रोग्राम है, क्या बना रहे हैं? आज तो उद्घाटन है, आज स्टार्ट किया हमने, ये आज यहाँ का उद्घाटन है और हम यहाँ पर आज खाना, यानी कि सब्जी है, मिक्स सब्जी है, मीठे में हलवा है और आलू भरता है बस। जी सर, देख पा रहे हैं कि आज पहला दिन यहाँ के स्टाफ का है और सभी स्टाफ जो है बेहद ही उत्सुकता से खाना बनाने की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। देखिए कैसे साफ सफाई से यहाँ पर बर्तन बिल्कुल साफ हैं और कैथल ब्रेकिंग टीवी की खबर का ये असर है कि जो किसान मजदूर की कैंटीन जो अब से थोड़े दिन पहले धूल फांक रही थी, उसमें काम शुरू हो गया है। देख पा रहे हैं कि हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत काफ़ी महिलाओं को यहाँ पर रोज़गार दिया गया है, यानी खाना बनाने के लिए स्पेशली महिलाओं को यहाँ पर एम्प्लॉय किया गया है, उनको रोज़गार दिया गया है। सभी जो एम्प्लॉयज़ हैं सभी अपनी अपनी यूनिफॉर्म में है और हाइजीन में है, सबके सिर पर जो है हेड कैप है और माउथ मास्क है, यानी कि हाइजीन का पूरी तरह से ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है। बेहद ही साफ़ सफाई से यहाँ पर रोटियों का काम चल रहा है। जी मैम, मैं भी यहाँ पे काम कर रही हूँ हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में और ये जो महिला या 10 महिला है डिफरेंट SHG से आए हुए हैं, तो इन लोग के लिए भी काफ़ी मोटिवेशन है, उनको भी आजीविका का साधन मतलब मिल रहा है, उनको भी पैसा मिलेगी और जो मजदूर है या फिर स्टाफ को भी 10 रुपये में खाना मिलेगा, ये भी अच्छी बात है। और हम चाहते हैं और भी महिला इस काम के लिए आगे बढ़े और इनको देख के कुछ सीखे,
ये एक मिसल के रूप में मतलब काम करेंगे। कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है ये? अभी तो फिलहाल 3 साल के लिए है, फिर आगे देखिए देखने जाएगा। अभी तो 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला है उनको। कितने बजे से यहाँ पे खाने की प्रक्रिया शुरू रहेगी? खाना कब से कितने बजे से मिला? यहाँ पे सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक तो खाना मिलेगा लंच के लिए। तो अभी फिलहाल हम सिर्फ लंच के लिए कर रहे हैं, आगे देखते हैं शायद हम रात का खाना के लिए भी कर सकते, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ लंच के लिए कर रहे हैं हम। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक खाना का है अभी, और 10 रुपये का थाली। हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर हरियाणा स्टेट नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के डिस्ट्रिक्ट कैथल के। नमस्कार रजत जी। नमस्कार जी। जी सर बताइए कि किस तरह की सुविधाएं इस कैंटीन में मिलेगी? ये कैंटीन जो हमारे मजदूर भाई किसान भाई यहाँ पे मंडी में आते हैं उनके खाने की ज़रूरत को देखते हुए और एक सस्ता और एक पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए कैंटीन शुरू की गई है। इसमें जो स्कीम है ये कैंटीन की, इसमें दो तरह से चल रहा है। बोर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करा रहा है इसका, जो है हमारी कैंटीन का जो हमारा मार्केटिंग बोर्ड है हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, वो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करा रहा है। जो इसमें खाने को तैयार करने का काम करेंगी वो जो हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन है उसके तहत जो स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं उनमें जो महिलाएँ जुड़ी हुई हैं उनको हमने प्रशिक्षण भी दिलवाया है, वो यहाँ पर खाने का काम तैयार करेंगी। और इसमें थाली का रेट 10 रुपये रहेगा, ये सब्सिडाइज थाली है, और इसमें बोर्ड अपनी तरफ से 15 रुपये एक थाली पे उन्हें देगा। तो महिलाओं को जो है एक थाली की सेलिंग प्राइस 25 रुपये मिलेगी, लेकिन आम आदमी से उसके 10 रुपये ही लिए जाएंगे। तो ये सब्सिडाइज थाली यहाँ पे उपलब्ध कराई जा रही है, और खाने में चपाती रहेगी, आपका दाल सब्जी रहेगी, एक सूखी सब्जी रहेगी, चावल रहेंगे। तो ये हमारे जो भी मंडी में भाई आ रहे हैं उनके लिए एक बढ़िया और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की पहल कैथल में की गई है। सर कितने टाइम मिलेगा खाना? तीनों टाइम, दो टाइम, कितने टाइम? अभी जैसे इसको देखते हुए शुरू में लंच के लिए सिर्फ दोपहर के भोजन के हिसाब से शुरू किया गया है। अगर रिस्पांस अच्छा आता है और फिर एक बार बोर्ड से भी हम करके सलाह और महिलाओं का करते हुए अगर ये हम इसको ब्रेकफास्ट भी और डिनर भी अगर संभव होगा बिल्कुल देंगे उसे भी। अभी शुरू में ये लंच पे रहेगी कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, हमारी कितनी सेल्स जा रही है, और उसको पहले हम एक बार चेक कर लें। और जैसे ही अगर वो रुझान मेरे हिसाब से ये है कि रिस्पांस बहुत बढ़िया आएगा जिस हिसाब से, तो हम फिर इसको निश्चित तौर से ब्रेकफास्ट पे और डिनर पे भी ले जाने की कोशिश करेंगे। सर कितने कर्मचारी हैं, कौन कौन सी पोस्ट पे? जो कैंटीन में हैं वो 10 महिलाओं का समूह है। ये 10 महिलाएँ सब एक समान हैं, एक समूह में बराबर हैं। इन्होंने एक उसका अपना समूह बनाया इस कैंटीन को चलाने के लिए, क्योंकि कच्चा माल वगैरह रॉ मटेरियल ये प्रोक्योर करेंगी, तो वो सब लोग हैं। उन महिलाओं को गाइडेंस के लिए HSRLM का स्टाफ है और बोर्ड की भी सहायता है पूरी। तो अभी उसी एक ग्रुप को दिया गया कार्य, उसको एक बार हम काम कराएंगे। उसी उन्होंने अपना जो उनका VO है, एक ग्राम संगठन होता है, एक बड़ा समूह होता है गांव लेवल पे, वहाँ से अपने जो समूह इन्होंने 10 महिलाओं को बनाया उन्होंने वहाँ से आर्थिक सहायता लेके और ये कच्चे चीज़ें खरीदी हैं जो सामान तैयार होना है, जिससे भोजन तैयार होना है, और इसको लेके वो आगे बढ़ेंगे। तो सर इनकी सैलरी बेसिस पे है या किस तरह से डाइट के हिसाब से मिलेगा इनको सैलरी? हाँ, इनका जो है ना जो पैसा मिल रहा है ये इन्हीं लोगों ने बांटना है, किसी और जगह नहीं जाना है, इन्हीं के ग्रुप में बांटना है। जो भी महिला काम कर रही है सबका समान हिस्सा है, समान उनको मिलेगा। और इसमें यही लोग तय करेंगे कि जो इनका रॉ मटेरियल पे खर्चा होने के बाद थोड़ा सा आगे के सामान के लिए भाई नेक्स्ट मंथ के लिए या उसके लिए रखेंगे और थोड़ा आप अपने में बांटेंगे। तो बांटने का भी इन्होंने ही करना है कि भाई वो उसमें से कितना हिस्सा इन्होंने समान रूप से लेना है। सर खाने की क्वालिटी मेंटेन रहे इसके लिए क्या मॉनिटरिंग सिस्टम है? इसके लिए मॉनिटरिंग सिस्टम ये रहेगा जैसे HSRLM की तरफ से और बोर्ड की तरफ से भी हर हफ्ते एक ट्रायल बेसिस पे और इनका निरीक्षण करा जाएगा। हम खुद भी यहाँ आके हफ्ते में कोशिश करेंगे कि 2 से 3 बार यहाँ पे खाना खाएं, और एक यहाँ पे ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर है हमारे, वो डेली की यहाँ पे मॉनिटरिंग करेंगे कि खाना तैयार हो रहा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, किस जगह से आ रहा है, जहाँ से दालें वगैरह खरीदी जाएंगी वो उच्चतम क्वालिटी की हों। तो उन सब के लिए एक ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर हमारा यहाँ तैनात रहेगा जो डेली बेसिस पे करेगा, और जो जिले के अधिकारी हैं वो हफ्ते में 2-3 बार यहाँ स्वयं खाना खा के उसका निरीक्षण करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि क्वालिटी बहुत बढ़िया मेंटेन रहे। कैथल ब्रेकिंग टीवी से मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, कैमरामैन कुलदीप तंवर के साथ।